अमृतसर तो वड्डी खबर आई सामने। अमृतसर नेशनल एयरपोर्ट से ओमिक्रॉन के खतरे विचाले मिलान तो आए दो मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव। दोहां कोरोना पॉजिटिव मापुत नूं कीता गया क्वारंटाइन, जिथे होवेगा आरटीपीसीआर टेस्ट, जिस दे सैंपल भेजे जाणगे पटियाले। श्री आनंदपुर साहब विखे पहुंचे अज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री सीसगंज साहब विखे टेकया मथा नाली विरासत के खालसा च किए कई वड्डे ऐलान। सोलर प्लांट और नेचर पार्क का भी रखा नींह पत्थर। इस तों अलावा भाई जैता जी यादगार मैमोरियल की अपग्रेडेशन लई सीएम चन्नी ने 2 करोड़ रुपए का किया ऐलान। इस मौके पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी की अदुत्ती शहादत और भाई जैता जी के जीवन तो सानू सिक्ख्या लैण की लोड़। श्री आनंदपुर साहब विखे सुंदर कम्यूनिटी सेंटर बनाने लई 5 करोड़ का ऐलान और फायर ब्रिगेड का स्टेशन का भी किया जाएगा स्थापित। लगातार वध रहीआं सी पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां, फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने समझी अपने लोकां दी तकलीफ ते दे दित्ता वड्डा तोहफा। पंजाब सरकार ने अज वड्डा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं, अज ही रात तो 10 रुपये। 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा के पिछले 70 सालों दे विच कदे मैं सुनया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे। पंजाब दे विच 5 रुपये डीजल ते 10 रुपये होर सस्ता कीता पेट्रोल। We are very thankful for the Chennai sir. ताही ता सीएम चन्नी तो सद के जांदे ने पंजाब दे लोक। वधिया गल्ला, सस्ता हो गया जी, चंगी गल्ला, माड़ा मोटा साह आऊगा जी सानू भी जी। बहुत फर्क पड़ता है, 10 रुपए से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बेनिफिट सानू होया। कर कर चली गल, पंजाब सरकार करती मसले हल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों 1000 रुपए औरतों को देने के ऐलान तो बाद सुखबीर बादल ने भी किया ऐलान। अकाली सरकार आने से औरतों के खाते चाहे 2000 रुपए। सुनाम च रैली दौरान सुखबीर बादल ने किया सी ऐलान। पंजाबी गायिका सोनी मान के घर आने पछाते लोगों वालों चलाई गई गोलियां। लखा सिदाणा के उत्ते लगे फायरिंग के दोष। सोनी मान के 5 दिसंबर को रिलीज़ हुए गाने को लेकर हुई है घटना। सोनी मान का दोष लखा सिदाणा वार बार दे रहे थे गाना डिलीट करने को लेकर धमकियां। तरन तारण च सोनी मान के घर च फायरिंग को लेकर लखा सिदाणा वालों दिता गया स्पष्टीकरण। वीडियो जारी कर कहा, मेरे ते लग रहे झूठे इल्जाम गैंगस्टर बैकग्राउंड होने के कारण मेरे ते किया जा रहा वार। नाल ही क्या हो सकता है मैंने चोणों तो पहले फड़ के कर दिता जाए अंदर। गायिका सोनी मान से हुए हमले के संबंध में तरन तारण पुलिस ने लखा सिदाणा समेत 5 लोगों खिलाफ और 10 से 15 होर अणपछाते लोगों खिलाफ इरादे कतल समेत वख-वख धाराओं तहत मामला किया दर्ज। पुलिस ने घर च लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे च लै जांच की शुरू। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री ओपी सोनी ने कहा, ओमिक्रॉन देखदे पंजाब सरकार पूरी तरह तैयार, जनता को भी की अपील। केंद्र और पंजाब सरकार की गाइडलाइन का जरूर रखो ध्यान। 225 मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वंडन आए सी डिप्टी सीएम। पंजाब के कांग्रेसी सांसद रवनीत बिटू ने संसद च बोलते श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से बोलद गिनाई शहादत ही सदन च की मांग दिल्ली च मनाई जाए नैशनल लैवल यूनिवर्सिटी जिस श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत बारे किया जा सके जागरूक। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी से सख्त हुई पंजाब सरकार। सिख्या मंत्री प्रगट सिंह नाल बच्चों के मापिया ने की मुलाकात। सिख्या सकत्तर नूं तुरंत फीस कटाउण दे दित्ते हुकम। नाल ही बच्चों नूं बेइज्जत करके कढ़न वाले स्कूलों की भी मंगी लिस्ट। प्राइवेट स्कूल के बच्चों के मापिया नाल की मुलाकात दौरान सिख्या मंत्री ने दिता हर संभव मदद का भरोसा। स्कूल वालों वालों एक बच्चे के मापिया से हमला करवाउण नूं लैके मौके ते ही SSP नूं मामले की जांच करन दे दित्ते हुकम। पंजाब सूबे के 872 सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों दिया लाइब्रेरियां नूं 4361 टैबलेट देने का किया गया फैसला। सिख्या मंत्री प्रगट सिंह ने किया ऐलान। सिख्या विभाग वालों टैबलेटों ई कंटेंट नाल संबंधित ऐप्स भी कीतियां जाणगियां इंस्टॉल। पंजाब सरकार वालों किसान अंदोलन दौरान जान गुआउण वाले किसानों के लगभग 400 परिवारों नूं हुण तक 5-5 लाख रुपए दिता गया मुआवजा। सूबा सरकार ने मृतक किसानों के 152 वारसा नूं दित्तियां नौकरियां। हुण तक 20 जिलों के कुल 381 शहीद किसानों की की गई पछाण। तमिलनाडु के हैलीकॉप्टर क्रैश घटना के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताया दुख। ट्वीट करके CDC बिपिन रावत और उनकी पत्नी और बाकी स्टाफ के सुरक्षित होने की की अरदास। दस दिए तमिलनाडु के कनूर चज एयरफोर्स के हैलीकॉप्टर होया सी क्रैश। तमिलनाडु के कनूर चज हादसा ग्रस्त हुए भारतीय हवाई फौज के हैलीकॉप्टर च सवार लोगों की मौत। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया दुख। इस अलावा ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने भी ट्वीट करके हादसे से किया दुख व्यक्त और CDC बिपिन रावत के सुरक्षित होने की की अरदास।
आम आदमी पार्टी पंजाब ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ते लगाए वड्डे इल्जाम। राघव चड्ढा ने कहा मुख्यमंत्री चन्नी ते सुखबीर सिंह बादल दे विचकार होई खुफिया बैठक बिक्रम मजीठिया खिलाफ परचा दर्ज कर उस नूं गिरफ्तार कर दित्ती जावेगी जमानत। सीक्रेट मीटिंग च होई डील। गुराया दे नेड़ले पिंड रोड़का कलां विखे नौसरबाज औरत वालों दुकान ते काम करन वालियां तीन लड़कियां ते बेहोशी दा स्प्रे मार के हजारां रुपए दे कपड़े ले जाण दा मामला आया सामने। सूटां दी पेमेंट लैण गईआं कुड़ियां दे रस्ते च कीती नशीली स्प्रे। पुलिस ने फरार औरत ते कीता मामला दर्ज। बरनाला विखे पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमां वल्लों हड़ताल जारी। अपनियां मंगां नूं लै के संघर्ष कर रहे कर्मचारियों का कहना अणमिथे समय लई चलेगी हड़ताल जदों तक सरकार नहीं मंनदी उन्हां दीआं मंगां। आने वाले दिनों च ट्रांसपोर्ट मंत्री अते मुख्यमंत्री दे घर दा कीता जाएगा घेराओ। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार वालों तबादलों का सिलसिला लगातार जारी। अज फिर सरकार ने तीन वड्डे अफसरों के किए तबादले जिन्हों में आईएएस के पीसीएस अधिकारी शामिल। यह हुक्म तुरंत लागू करने के आदेश। नाभा भवानीगढ़ रोड से बीती रात विआह समागम तो परत रहे एक परिवार नाल वापरिया भयानक हादसा। 11 लोगों नाल भरी कार नूं अणपछाते ट्रक ने मारी फेट जिस च 3 लोगों की मौके पर हुई मौत जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी। मृतकों च 7 साल का बच्चा भी शामिल। तमिलनाडु के कनूर च होया सेना हैलीकॉप्टर क्रैश 14 लोग इस हैलीकॉप्टर च सन शामिल। सेना के सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उन्होंने पत्नी सने 4 to 5 मुख्य सेना अधिकारी भी सन इस हैलीकॉप्टर च मौजूद। तमिलनाडु के कनूर च होया सेना हैलीकॉप्टर के क्रैश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जानकारी। इस घटना च 11 लोगों की मौत हो जाने की खबर आई सामने। उत्थे इस घटना के कारणों की जांच करने के इंडियन वायु सेना वालों आदेश जारी। विधानसभा चोणों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की औरतों लिए जारी किया महिला घोषणा पत्र। पत्र जारी करदे प्रियंका गांधी ने महिलावां लिए किए वड्डे वादे। महिला घोषणा पत्र च प्रियंका ने 40% महिलावां नूं चोणों लिए टिकट देने का किया ऐलान। इन्हें नई सरकार आने से सरकारी बसों से महिलावां नूं मुफ्त यात्रा करने की भी होगी सहूलत। इस विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी किया वादा। जम्मू कश्मीर के शोपिया च मुठभेड़ लगातार जारी। इलाके च अतवादियों के लुके होने का जताया जा रहा खदशा। सुरक्षा बलों वालों लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। पहाड़ी इलाके च लगातार बर्फबारी के मौसम च आई भारी तब्दीली। कलकत्ता च सवेरे देखने मिली भारी धुंद जिसके एयरपोर्ट से सवेर की उड़ाना हुई परेशानी। ओमिक्रोन वेरियंट के मद्देनज़र देश के सारे हवाई अड्डे से वधी चौकसी। विदेश तो आने वाले सारे यात्रियों की स्क्रीनिंग और डाटा जमा करना किया लाजमी। इसी के मद्देनज़र मुंबई के रेलवे स्टेशन से भी यात्रियों की की जा रही स्क्रीनिंग। कोरोना की तीजी लहर ओमिक्रोन वेरियंट के मद्देनज़र विदेश तो उदयपुर पहुंचे 125 के करीब यात्रियों को किया गया एकांतवास। इस वेरियंट को रोकने की की जा रही हर संभव कोशिश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे थे जिस दौरान उन्होंने मथुरा वासियों को करीब 200 करोड़ की दी सौगात। मथुरा के आदर्श इंटर कॉलेज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली। इस दौरान उन्होंने सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 9600 करोड़ की पूर्वांचल को दी सौगात। एम्स और खाद कंपनी का भी किया उद्घाटन। 13 दिसंबर को कांशी विश्वनाथ कोरीडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अवकांशी नाम के नाल होगा विशाल समारोह। जोरा शोरा के नाल इस समारोह की तैयारियां हुई शुरू। देश के 51,000 थावां ते होगा इस समारोह का सीधा प्रसारण। पीएम के नाल मौजूद रहेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर से धारा 370 बहाल करने की रखी मंग। कहा जदों तक धारा 370 मुड़ बहाल नहीं की जाती उदों तक वह नहीं लड़ेगी चुनावी जंग। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज जल सेना की मिसाइल वैसेल्स का वर्डन नु किया सम्मानित। 1971 की लड़ाई जिस मिसाइल ने निभाई सी वड्डी भूमिका। कोरोना के नवे रूप ओमिक्रोन ने देश भर की वधाई चिंता जिसके चलते भारत सरकार भी पूरी चौकसी वरतती आ रही है नजर। उत्थे दूजे पासे दिल्ली च डॉक्टरों की हड़ताल ने वधाई चिंता जिस कारण मरीजों को करना पै रहा मुश्किलों का सामना। उड़ीसा के राजपुर च एक स्कूल दे 9 लड़कियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव जिसके चलते स्कूल नु 7 दिनों लिए किया गया मुकम्मल बंद। जिक्रयोग एक बार फिर तो स्कूली विद्यार्थियों च पाया जा रहा कोरोना वायरस। बार बार चेतावनियां देने के बावजूद चीन गुआंढी देशों नु धमकाउण ते कब्जा करने की रणनीति तो नहीं हट रहा पिछे। चीन ने एक बार फिर ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे 9 फौजी जहाज। इस महीने चीनी जहाजा की लगातार 5वीं घुसपैठ। उत्थे ताइवान वालों भी जवाबी कार्रवाई की गई। जर्मनी की संसद ने उल्फ स्काल्स नु चुने देश का नवा चांसलर। वह मौजूदा चांसलर अंगेला मोरकल की लैणगे थां। न्यूज एजेंसी AFP वालों सांझी की गई यह खबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत शरणार्थियों की मानवतावादी सुरक्षा लिए वचनबद्ध। भारत ने हमेशा तिब्बत बंगलादेश श्रीलंका अफगानिस्तान म्यांमार अपने भैन भरावों हमेशा दया समझदारी के जवाब।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਸੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ। ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ 7 ਘੋੜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬਾਤ ਗਈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ ਨੂੰ ਹੋਏ 20 ਸਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਾਂਡਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਕਲਿਨ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪੇਸ਼। ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਕਲਿਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਹਾਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਮਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਨਮ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਕ ਨੀਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਥਿਰ। MPC ਦੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 4% ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 3.35% ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ EMI 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 9.5% ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਗਾਹ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2G ਤੋਂ 4G ਅਤੇ 5G ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਦਿੱਗਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੋਨਾਲਡ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਨੇ 1934 ਜੈਸ਼ ਸ਼ੰਕਲਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬੱਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਲਾਮੇ ਬੈਟ। 1999 ਤੋਂ NSW ਦੱਖਣੀ ਹਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਬੁਰਾਲ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ।